सर को आप लोगों ने ताकत दी, सर सांसद बन गए हैं, दिल्ली में भी सर का समय बीत जाएगा। सर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने प्रतिबिंब के रूप में, या यूं कह लीजिए अपने असिस्टेंट के रूप में मुझे आप सबके बीच लाकर सौंप दिया है कि जब सर दिल्ली में रहेंगे तो आपका यह साथी, आपका यह भाई आपके सेवा के लिए इसी तिरहुत में आपके साथ कहीं ना कहीं आपको उपस्थित होगा। मैंने एक बात कही थी अजय, आप हर सम्मेलन में गारंटी लेते हैं, अच्छा करते हैं, इस गारंटी की मुझे अभी सख्त ज़रूरत है। आपने कहा कि जिस तरह से देवेश बाबू का यहाँ एक घर हुआ करता, लोग जाते थे वहाँ जाकर अपनी समस्याओं को कहते थे। मैं अलग अलग सम्मेलनों में जाता हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई मुजफ्फरपुर सेंटर है, मुजफ्फरपुर पर विशेष ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी से पटना जाते हुए या पटना से सीतामढ़ी जाते हुए रुक कर लोगों की समस्याओं को सुनिएगा, उसके निदान का भरसक प्रयास करिएगा। मैंने जवाब दिया उनको कि आपने बात बिल्कुल ठीक कही, मुजफ्फरपुर मेन सेंटर है, कमिश्नरी है, आपकी ताकत की हर एक पार्टी को बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपने एक बात शायद गलत कही। आपने कहा कि सीतामढ़ी से पटना जाते हुए या पटना से सीतामढ़ी जाते हुए रुक कर लोगों की समस्याओं का निदान करिए। मैं आप साथियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर में रुक कर नहीं बल्कि रह कर आप लोगों की समस्याओं का निदान करूंगा, आपके साथ समय बिताऊंगा। ऐसा ही हमारा भी घर मुजफ्फरपुर में होगा। और मुझे क्या सोचना है, जब इतने साथी हैं, इतने घर मेरे पास है, जिस प्रखंड में जाता हूं खाना मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है, चाय मिल जाती है, आपकी ताकत मिल जाती है, तो जब मेरे पास आपकी वजह से इतने घर हैं, इतनी ताकत है, तो मुझे क्या सोचना। वो कहते हैं ना कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मजबूत इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मजबूत इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और मेरा मुकद्दर तो आपकी ताकत से लिखा जा रहा है, तो मुझे क्या सोचना। जब भी जिस भी प्रखंड में जा रहा हूँ, साथियों का अगाध प्रेम, अगाध स्नेह, अगाध ऊर्जा मिल रही है। और हम लोग आज मतदाता मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित, कुछ बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, हम भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से हमने प्रथम फेज में खूब सारे मतदाताओं को प्रेरित करके जोड़ा। हमारे पास एक और मौका आया है, 24 सितंबर से फिर से एक मौका आया है। 24 सितंबर के शुरू हुआ वो समय, आप में से जितने भी साथी छूट गए हों, आपके परिवारजन, इष्ट मित्र, कस्बे, प्रखंड, पंचायत, गांव के कुछ लोग अगर छूट गए हों, उनको भी प्रेरित करके उनसे भी कहिए कि अपना नाम इस मतदाता सूची में जुड़वाएं, ताकि हमारी ताकत और बढ़ सके। देखिए साथी, मुजफ्फरपुर ज़िला बड़ा है, धरती बड़ी है, प्रत्याशी भी बहुत तरह के घूम रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी धनबल की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अभी उस जमाने में जी रहे हैं जहां बाहुबल की बात होती थी। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि कोई धनबल की बात करे, कोई बाहुबल की बात करे, लेकिन आपके दिए हुए मनोबल से आपका यह साथी निश्चित रूप से इस चुनाव में जीत दर्ज करेगा। उनका धनबल, उनका बाहुबल आपके दिए हुए मनोबल के सामने कहीं टिकने नहीं वाला। बैलेट पेपर का नमूना आपको दिखाएंगे, आदरणीय देवेश सर दिखाएंगे। आप सभी से मेरी आरजू है, विनती है, मिन्नत है कि आप सभी मतदाता मालिक, आप सभी लोग जो अन्य मतदाताओं से जुड़े हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ जिस दिन वोटिंग हो उस दिन सारी व्यवस्था के साथ बूथ पर मुस्तैद रहें। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि अलग अलग प्रत्याशी हैं जिनके पास पोलिंग एजेंट का ठिकाना नहीं है, वो भला कहाँ हमसे टक्कर लेने वाले हैं। और एक एक बूथ पर हमारे एक एक साथी को डट कर, लग कर, रह कर चुनाव कराने का अभ्यास है, चुनाव जिताने का अभ्यास है। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ कि सभी साथियों को प्रेरित करें, अपने इस छोटे भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस भतीजे को प्रथम वरीयता का मत देकर
अपना आशीर्वाद दें। मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपका प्रत्याशी सबसे नौजवान है। बहुत सारे लोग कहते हैं अमुक जगह घूमने चलना है, वहां घूमिए, घूमना पड़ेगा। अरे हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, मूल पहचान पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में है। मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि घुमाइए ना सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, घुमाने वाले थक जाएंगे, आपका यह घूमने वाला भाई कभी नहीं थकेगा। आपकी जो ही ऊर्जा मुझे और आगे बढ़ाएगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है, सादर नमस्कार है, और फिर से आपसे ऐसे ही मुलाकात होगी, इस बात की पूरी आशा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।